वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन, और कुछ ऐसे ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन है, राइट, जिनका मीनिंग निकालना, ट्रांसलेट करना बहुत ही टफ होता है, हमें पता नहीं होता है कि हाउ वी कैन डू ऑल दिस थिंग्स। जैसे मान लीजिए पहला है हवा क्या है, कैन यू ट्रांसलेट इट इन टू इंग्लिश, क्या इंग्लिश में उसको बोल सकते हैं कि हवा क्या है? जैसे मेनी टाइम्स इट हैपन्स, राइट, हमें लगता है कि हवा क्या है, हवा को डर भी कहते हैं, डर क्या है, जियो और जीने दो, जैसे लोग कहते हैं ना कि खुद भी जियो और दूसरों को जीने दो, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसके? अगला है जैसे को तैसा, राइट, इसके लिए इंग्लिश में हाउ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, राइट? डरने जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझने को सब कुछ है, राइट, दुनिया में डर कुछ भी नहीं है, समझना सब कुछ है। ऐसी है ज्यादा हवा में मत उड़ो। अब पहला सेंटेंस है हवा क्या है, तो क्या बनाएंगे, वॉट इज हवा, क्या कहते हैं, फियर से बेहतरीन वर्ड होता है बग बियर, वॉट इज बग बियर, बग बियर, राइट, वॉट इज बग बियर, बग बियर कहते हैं हवा क्या है, राइट right? वैसे हम ये भी कह सकते हैं कि नथिंग इज बग बियर इन द वर्ल्ड, ओनली योर माइंड मेक्स एवरीथिंग बग बियर, आपका दिमाग हर चीज को बग बियर बनाता है, है कुछ भी नहीं। ऐसी जियो और जीने दो, कैन यू टेल मी, इस जियो और जीने दो को बोलते हैं लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, जियो जीने मत दो, लिव डोंट लेट लिव, राइट। अगला है जैसे को तैसा, इसके लिए होता है टिट फॉर टैट, टी आई टी, टिट फॉर टैट, राइट। अगर इंग्लिश बोलनी हो और कभी आपको कहना पड़ जाए कि जैसे को तैसा, देन यू कैन स्पीक टिट फॉर टैट, राइट। अगला है डरने जैसा दुनिया में कुछ भी नहीं है, समझने को सब कुछ है, तो कैसे बनाएंगे इनको, इसको नथिंग इज टू बी फियर्ड, नथिंग इज टू बी फियर्ड इन लाइफ, राइट, एवरीथिंग, समझने को सब कुछ है, एवरीथिंग एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टूड, दोबारा समझ लीजिए, नथिंग इज टू बी फियर्ड इन लाइफ, जिंदगी में डरने जैसा कुछ भी नहीं है, राइट, एवरीथिंग इज टू बी अंडरस्टूड, हर चीज समझने जैसी है, डरने जैसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा हवा में मत उड़ो कैसे बोलेंगे, डोंट गेट इन टू एयर, राइट, डोंट गेट इन टू एयर, ज्यादा हवा में मत उड़ो, राइट। ये बेहतरीन सेंटेंसेस हैं बोलने के लिए, इनको पूरी तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट इन योर लाइफ व्हाट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड। ओके, थैंक यू फॉर दिस।